हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम हमारे जीरो सिंबल का नेक्स्ट पार्ट करेज करेंगे। सॉरी, मैं कल वीडियो देना रह गया था मेरा, तो हम आज करेंगे करेज। ठीक है, इसका जीरो नाम है अमाली, कलर ब्लैक और बैक ऑफ नेक एंड अपर बैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेज की, यानी कि स्ट्रेंथ की। कोई भी काम करने के लिए हम मन में विचार तो बहुत बनाते हैं, आइडियाज़ भी बहुत लगाते हैं, लेकिन जब उनको करने का टाइम आता है तब सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, हिम्मत की कमी पड़ जाती है, कभी सोर्सेज की कमी पड़ जाती है, कुछ भी बाधा आ जाती है बीच में। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रेंथ देता है। एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे अंदर जो चल रहा है, अंदर हमारे बहुत सारे विचार चलते हैं। जब हमारे अंदर कुछ आइडिया आता है तो हम उसकी सब पॉजिटिव चीज़ें देखने लग जाते हैं और एकदम से ऐसा ही सोचने लगते हैं कि ये काम अब हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन जब हम उसे रियलिटी में ला ले जाते हैं, जब हम उसे बाहर की दुनिया में लाते हैं, तो बहुत सारे अपोज सामने आ जाते हैं। कभी पेरेंट्स का आ जाता है, या समाज का आ जाता है, या हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए, पेरेंट्स का है, समाज का है, कोई भी चीज़ का है, कमी हमारी ही होती है। हम अपनी कोई भी फेलियर को किसी पर भी नहीं डाल सकते। ठीक, हाँ, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर मैं हर बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कई बार हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन डिप्रेशन या सैडनेस जैसी अगर आप में चीज़ है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है। बैलेंस पर्सन हर सिचुएशन में हैप्पी रहता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ, तो जो हमारे अंदर चल रहा है और जो बाहर समाज में हमारे सामने चीज़ें आएंगी, ठीक है, उनके बीच का ब्रिज बनता है ये सिंबल। ब्रिज बनने का क्या फ़ायदा है, क्या काम करेगा ब्रिज बनकर? देखिए, जो हमारे अंदर चल रहा है, ठीक है, जो हमारे अंदर आइडिया आया है, जब हमारे अंदर आइडिया आता है तो हमारे साथ में कई प्रॉब्लम्स भी साथ साथ आती हैं, फिर उन सब का सॉल्यूशन भी वो अंदर ही अंदर देता जाता है। आता है ना कई बार कि पापा ऐसा कहेंगे तो मैं ऐसे ही बोल दूँगा, कि ये प्रॉब्लम आएगी तो चलो मनी प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ से ले लूँगा, या इस तरह के सॉल्यूशन साथ साथ आते जाते हैं जब हम आइडिया लें। लेकिन जब उसे बाहर निकालने का टाइम आता है, बाहरी दुनिया में डालने का टाइम, तो नहीं कर पाते। तो वो एनर्जी जो उसने जब उस आइडिया को क्रिएट करते हुए बनाई है, उस एनर्जी को उस ब्रिज के थ्रू वहाँ तक सेंड करता है और काम को होने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या करता है सिंबल, जो हमारे अंदर है उसे सिर्फ आइडिया ही नहीं बन के रहने देता, एक्शन भी आता है। बाहरी दुनिया से कनेक्ट होना, अपनी आइडिया को बाहरी दुनिया के सामने लाना, ठीक है, और उनका अपोज करना, उससे पहले भी एक स्टेप होता है कि बाहरी दुनिया में उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, एक्शन में लाना, एक्शन में लाने की हिम्मत लाना। ठीक है, उसे कलेक्ट करता है पहले। ये हमारे स्पिरिट से जुड़ा होता है, स्पिरिट से कनेक्ट होता है, क्योंकि हमारे आइडियाज़, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सब स्पिरिट से ही आती हैं। हमारी आत्मा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमको देता है। ये जो हमारे विचार हैं, देखिए, दो तरह से चलते हैं हमारे विचार। एक, आपके दिमाग में जब कोई आइडिया आता है तो प्रॉब्लम आती रहती है और उसका सॉल्यूशन साथ साथ आता रहता है अंदर ही अंदर। एक आता है जब हमारे अंदर कोई आइडिया आता है तो ये थोड़ा नेगेटिव पर्सन की पहचान है कि उसमें वहीं पर ही स्टॉप खुद ही हम अंदर ही अंदर लगा देते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, हम ये नहीं कर सकते हैं, समाज क्या कहेगा, तो वो बात वहीं की वहीं ख़त्म, आउट ख़त्म। ना आगे की बात इकट्ठी होती है, ना एनर्जी इकट्ठी होती है, ना बाहरी दुनिया तक एनर्जी जाती है और ना ही वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो है विचारों में आने वाले डाउट्स को, जो अच्छे विचार हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, जो अच्छे विचार हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। डिवाइन कोई भी सिंबल है, रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, कोई भी हीलिंग है,
ठीक है, उसमें आप कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन डाउट्स को पॉसिबिलिटीज़ में बदल देता है, ठीक है, उन डाउट्स को क्लियर करके आपको पॉसिबिलिटी दिखाता है उस गोल को अचीव करने की, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये मैंने अभी एक्सट्रोवर्ट टू इनवर्ट बताया था, मतलब बाहर से पहले विचार होता है, फिर बाहर से आप उसे लास्ट स्टेप समझ सकते हैं। अब मैं एक बार इसी चीज़ को इनवर्ड से बाहरवर्ड आउटवर्ड की तरफ का एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हमारे मन में पहले हमारा मन हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट करता है, ये हमें, ये सिंबल जो है स्पिरिट से कनेक्टेड है, स्पिरिट का गाइड है, ठीक है, स्पिरिट से गाइड है, स्पिरिट का गाइड नहीं, स्पिरिट से गाइड है। स्पिरिट गाइड करती है कि इस इंसान को, इस आत्मा को, इसको, इस सबकॉन्शियस माइंड को इस विचार की ज़रूरत है, इस आइडिया की ज़रूरत है। तो सबसे पहले वहाँ से विचार आता है, आत्मा से, ठीक है, स्पिरिट से कनेक्ट, फिर उस पर्सन के अंदर आता है, फिर या तो डाउट्स आते हैं, ठीक है, और उन डाउट्स को उसके कारण उस चीज़ को स्टॉप होता रहता है, लेकिन नहीं, ये सिंबल वो डाउट को क्लियर करके उस विचार को आगे बढ़ाता है, ठीक है। फिर आपके जब विचार पूरी तरह प्रिपेयर हो जाता है, तो आपको जो उस विचार को एक्शन में लाता है, यानी कि दुनिया के सामने लाना है, लाता है, और फिर बाहरी दुनिया के साथ ब्रिज बनता है, आपकी कलेक्ट की हुई एनर्जी को बाहरी दुनिया को एक्सप्रेस करने में, एक्शन में लाने में एनर्जी जो इकट्ठी की है वो देता है, और फिर उस पूरे काम को करने की स्ट्रेंथ देता है और रिजल्ट तक लाता है। इसका अफर्मेशन है, आई एम अनलिमिटेड द सोर्स ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ, आई कॉल ऑन दैट पावर नाउ, आई फिनिश माई ऑल वर्क विद करेज। हिंदी में कहेंगे करेज। फर्स्ट स्टेप में देखो, 5 बनाते हैं ना, लेकिन उसकी ये स्लीपिंग लाइन नहीं लेनी है, स्टैंडिंग लाइन, और 5 बना दें, ठीक है, घुमा के, और जो स्टैंडिंग लाइन है उसके राउंड। फर्स्ट स्टेप स्टैंडिंग लाइन है, राउंड से नहीं लेना है। फिर सेकेंड में 5 को कंप्लीट करते हुए गोल घुमाना है, फ्लोइंग हैंड देखो, 5 ओके